तो अभी हम लोग है अरेबियन सी के पास में, काफी सुंदर नजारा है। देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं सोमनाथ से द्वारका और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सोमनाथ से द्वारका के बीच देखने जाने वाली साइट सीन। अगर आप बाय रोड जा रहे हो तो आपको पहले माधवपुर बीच देखने को मिलेगा, जहाँ से आप अरेबियन सी देख सकते हैं और यहाँ से इसका लुत्फ भी ले सकते हैं। नाथ से निकला हूँ और अभी पहुँचा हूँ माधवपुर। आप देख सकते हैं माधवपुर, और ये जो माधवपुर एक जगह है वो जगह इसलिए है साइट सीन के लिए बहुत ही फेमस जगह है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ से आपको ये नज़ारे देखने को मिलते हैं जो कि है अरेबियन सी। इसके अलावा आप यहाँ पर आके ऊँट की सवारी कर सकते हैं जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी कैमरा स्विच करके। इसके अलावा पैराशूट का भी मजा ले सकते हैं आप, बोट का मजा ले सकते हैं आप, पैराशूट का मजा लीजिए इस तरह से कुछ। बस उतार देने से चले जाइए, नीचे लेके जाइए, नीचे लेके जाइए, थोड़ा नीचे लेके जाइए। सीन काफी अच्छा लगा होगा। यह है अरेबियन सी मेरे पीछे। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं द्वारिका, जिसके आगे भी ऐसा बहुत सारा आपको सीन देखने को मिलेगा और सीन तो काफी जबरदस्त है। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो चारों ओर एक्चुअली उस साइड से सनलाइट आ रही है, और ठंड की बात की जाए तो अभी काफ़ी गर्मी है लेकिन रात को वैसे ही ठंड है। यहाँ पर हवा चलती है एज मुकाबले कोलकाता में जितनी ठंड है वैसे नहीं है। और आपको कैसा लगा? जैसे कैसा लगा? मज़ा है, बहुत मज़ा आया। अभी तो बाकी है, और खास बात यहाँ है कि यहाँ डाब काफ़ी सस्ता है, डाब पानी 10-20 रुपये में केवल डाब पानी मिल जाता है, केरल से भी सस्ता है। तो यहाँ पर आए, तो यहाँ पर आके हाँ रिफ्रेशमेंट के लिए काफी अच्छा जगह, आप आइए यहाँ पर घूमिए। और बस ये है पूरा सीन चारों ओर। चार्जेस जो है यहाँ पर 12 से 15 रुपये किलोमीटर लिया जाता है, जो कि यहाँ से 200 से 250 किलोमीटर है द्वारिका। तो आपका सोमनाथ से लेके
कि जो पूरा द्वारिका में जा रहा हूँ, पूरा रोड के सामने इस तरह का आपको सीन देखने को मिलेगा। अगर आप बाई रोड आते हैं तो आपको ये साइड सीन देखने को बड़ी मजा आएगा। उसके बाद हम पोरबंदर हाईवे से होते हुए सुदामा टेम्पल देखते हैं और यहाँ पर आपको गांधी जी का बर्थ प्लेस भी देखने को मिलेगा, जिसका वीडियो आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देख सकते हैं। पोरबंदर जाते वक्त आपको इस तरह से बहुत सारे विंड मिल्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पर लोग प्याले में चाय पीना पसंद करते हैं। तो अभी मैं हूँ पोरबंदर पे और ये एक मंदिर है जहाँ पर बोला जाता है कि जब सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए थे वो इसी जगह को बोला जाता है। पोरबंदर में इस मंदिर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे में भी जस्ट स्टैचू बना हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यह देखिए कृष्ण जी और सुदामा का इस तरह से कुछ, और मेरे पीछे है वो मंदिर। तो फाइनली मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको गांधी जी का बर्थ प्लेस और उनसे जुड़े कुछ हिस्टोरिकल पिक्चर देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और वीडियो पसंद आने पर इसे जल्दी से लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।